सो हे गाइस, तो आज मैं लेके आया हूँ वाटर कलर क्रेयॉन्स। क्या आप लोग कभी इसे यूज किए हो? देखो सच्ची बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि वाटर कलर का भी क्रेयॉन्स आता है। इसका कलर्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट है एंड इसमें आपको मिलेगा टोटल 36 शेड्स। सो देखो यहाँ पे मैं कुछ शेड सेलेक्ट किया हूँ, इसे हम लोग ग्रेडियंट वे में मर्ज करेंगे, देखेंगे स्मूथली ये एक दूसरे के साथ कैसा ब्लेंड होता है। सो इसके बाद ब्लेंड करने के लिए आपको कोई भी ब्रश चाहिए और उसमें हल्का सा पानी ले लेना और इसके बाद स्मूथली ब्लेंड करने का ट्राई करना है। सो देखो ये कुछ इस टाइप से ब्लेंड होता है। और पता है इस क्रेयॉन को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। मान लो किसी दूसरे पेपर पे आप क्रेयॉन को हल्का सा यूज किए और उसे आप ब्रश में लेके कहीं और पे कलर कर रहे हो, जैसे वाटर कलर का यूज किया जाता है। तो ये देखो मैं एक सिंपल सा सीनरी बनाया हूँ, तो चलो इसे यूज करके देखते हैं। सो पहले तो हम लोग इसे नॉर्मली यूज करेंगे जैसे क्रेयॉन्स का यूज किया जाता है, लाइट एंड शेड को ध्यान में रखते हुए। एंड मैं दो तीन कलर को मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा नेचुरल फील लाने के लिए। इसके बाद हम लोग ब्रश में हल्का सा पानी लेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। सो आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और इससे पहले ना मैं वाटर कलर पेंसिल भी यूज किया हूँ, बट वो भी इतना अच्छे से ही ब्लेंड होता है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है ना, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि आप पेंसिल कलर का यूज किए हो, क्योंकि वो दाग रह जाता है, पेंसिल कलर का स्ट्रोक्स रह जाता है। बट इस वाले कलर में वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, पूरा वाटर कलर वाला फील आता है। अगर आप इसका कंप्लीट पेंटिंग किसी को दिखाते हो ना, तो वो बोल ही नहीं सकता है कि कोई और कलर का यूज किया हो, पूरा वाटर कलर ही तो लग रहा है। सो आपको ये कलर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो ऐसा लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।